वीडियो जारी किया है सपा ने, अखिलेश यादव का एनिमेशन वीडियो जारी किया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कवायद, पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की सपा कर रही है तैयारी, समाजवादी पार्टी ने की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। और पीडीए वर्सेस एनडीए का एक जो एनिमेटेड वीडियो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया गया है। पीडीए के जरिए एनडीए को हराने की सपा तैयारी कर रही है। और हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एक एनिमेटेड वीडियो समाजवादी पार्टी का जो है वो जारी हुआ है जिसमें पीडीए वर्सेस एनडीए है, जरा दर्शकों को ये पीडीए क्या है एक बार बताएं। लोकसभा को लेकर के समाजवादी पार्टी ने इस बार नई रणनीति बनाई है और यही वजह है कि पीडीए पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं और पीडीए के जरिए एनडीए को घेरने की समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो पूरी योजना बना रहे हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से पीडीए का एनिमेशन वीडियो जारी किया। और वीडियो में आप देखेंगे खासतौर पर कि अखिलेश यादव के हाथ में जो बल्ला है उस पर लिखा हुआ है सीधे तौर पर कि पीडीए, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी, इन समुदायों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी 2024 की लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। क्योंकि बीएसपी जिस तरीके से कमजोर है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि मिले। और यही वजह है कि चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वादी हो या फिर लोहियावादी, उन सबको एक करने की कवायद समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से कर रही है। और तमाम मंचों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पीडीए पर ही फोकस करते हुए नजर आ रहा है। तो इस बार फिर से एक बार ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने पीडीए पर जोर दिया है और 24 की लड़ाई अब पीडीए के दम पर एनडीए से जीतने की कवायद समाजवादी पार्टी कर रही है। बिल्कुल, पिछड़ा पीडीए, पिछड़ा, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, संजय इन तीनों को हमेशा से जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो ये टारगेटेड होते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जाति की बात ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने एनिमेशन जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साधने में लगी हुई है। ऐसे में एनिमेटेड वीडियो सपा का, संजय बिल्कुल, बीजेपी भी अपने कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। और आपने देखा कि निकाय चुनाव में तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग को भी टिकट दे करके कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास था। अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम जो अन्य योजनाएं हैं उनमें उनको शामिल करके उन्हें फायदा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना यादव और मुस्लिम कैडर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार दलितों को जोड़ने की कवायद पूरी तरीके से की जा रही है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है जिसके डॉक्टर राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनकी जानिब से लगातार प्रयास है और पूरी लोकसभा की हर सीट पर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कवायद जो है वो की जा रही है। पहली बार समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का भी गठन किया है और उस गठन में भी पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो पिछड़ों को किस तरीके से जोड़ा जाए, दलितों को किस तरीके से जोड़ा जाए और अल्पसंख्यक वर्ग को लगातार अपने साथ रखा जाए, इस कवायद में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लगी है। और यही वजह है कि पीडीए के जरिए कहीं ना कहीं एनडीए पर चोट करती नजर आ रही है। संजय आप बने रहे हमारे साथ।